रिवीजन करेंगे तो प्रश्न ताकि आपके समझ में आ जाए। मैंने शक संवत में कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व यह प्रारंभ हुआ था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी, और आज भारत में एक शक संवत जो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में है। दूसरा सवाल था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था, तो कौन था, वो मेगस्थनीस था। कौन था? मेगस्थनीस था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी। इनकी अगर पुस्तक का नाम पूछेगा तो इंडिका थी, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम इंडिका था, लिख लीजिएगा इंडिका था। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम इंडिका था। यह आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने है, शायद आप लोग देख रहा होगा, कह रहा है कि अजंता तथा एलोरा, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके सभी साथी जवाब दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को इस लाइव सेशन में देख रहे हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, देशहित में है, राष्ट्रहित में है। आप लोग की संख्या कम है यार, एक बार अपने साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा, ये निःशुल्क क्लास है आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, ये महाराष्ट्र में है। ये बहुत ही एवरग्रीन प्रश्न है, परीक्षा में बार बार सवाल आता है, ये इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता में केवल 6 गुफाएं के ही चित्र बचे हैं। इसका समय ईसा पूर्व की दूसरी सदी से लेकर 7वीं ईस्वी तक माना जाता है। अगला सवाल है कि मुगल काल से निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को काबुल का मक्का द्वार कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मुगल काल से निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को काबुल मक्का का द्वार कहा जाता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया कि मुगल काल से जो सूरत का बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह? जो सूरत का बंदरगाह है, जो बंदरगाह है सूरत का, उसे क्या कहा जाता है? काबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि मुगल काल में ध्यान से देखिएगा, सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में हुए? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी यूनिक सवाल है, तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बताइए किसके समय में सबसे ज्यादा मनसबदार थे? सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, किस किस समय में सबसे ज्यादा मनसबदार थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बताइए फटाफट कमेंट करके। तो एकदम सही आप लोगों ने बताया कि जो औरंगजेब था उसके समय में सबसे ज्यादा मनसबदार थे। मुगल काल में सबसे ज्यादा मनसबदार औरंगजेब के शासन काल में रहे। इसका कारण यह था कि जो औरंगजेब ने, जो उसके उच्च पद थे, उनकी नियुक्ति के लिए योग्यता को अधिक वरीयता दिया, माने जो ज्यादा योग्य होगा उनको वरीयता पहले मिलेगी, इसलिए मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब सही है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। हम आपके लिए बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किस सिख नेता के इस्लाम धर्म न ग्रहण कर पाने के कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी थी। काफी यूनिक प्रश्न है यार, आप लोग की संख्या बहुत कम है यार, ऐसा कहें हो रहा है? आप लोग वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, किस सिख नेता के इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने क्या किया था? उसकी हत्या करा दी थी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बताया हरगोबिंद, गुरु गोबिंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का जगह सबसे सटीक उत्तर की हम बात करें, जगह आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तेग बहादुर। आइए तेग बहादुर के बारे में जानते हैं। सिख तेग बहादुर जी ने की हत्या औरंगजेब ने धार्मिक नीति का विरोध करने के लिए किया था, कि उन्होंने धार्मिक नीति का विरोध किया था। इनके विचार से घबराकर औरंगजेब ने पहले उन्हें कैद करवाकर दिल्ली बुलवाता है और उसके बाद इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहता है। जब वो स्वीकार नहीं करते तब 1675 में
औरंगजेब ने उनका कत्ल करा दिया। जी हाँ, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा तेग बहादुर होगा। रट लीजिएगा, यहां से अगर आपकी परीक्षा में सवाल आए तो गलत ना होने पाए। इसके लिए क्या है, आपको सेशन के अंत तक बने रहना होगा और वही तथ्य पढ़ना होगा जहां से परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा बार बार सवाल पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972, 15 दिसंबर 1971, 28 जुलाई 1971, 28 जून 1974। एक प्रश्न आता है शिमला समझौता, अगर केवल शिमला समझौता रहे तो भारत और चीन के बीच था, भारत और तिब्बत के बीच था, लेकिन अगर पूछा जाए कि जो मैकमोहन रेखा खींची गई है वह एक तरह से शिमला समझौता का ही परिणाम था, लेकिन उस शिमला समझौता की बात नहीं कर रहा है, बल्कि यहां पर साफ साफ लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो यहां पे प्रश्न में भारत और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह 1972 में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा 3 जुलाई 1972। क्या होगा, 3 जुलाई 1972 को। इसमें क्या हुआ था, शिमला समझौता जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान की तरफ से कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जबकि भारत की तरफ से उस समय पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच हुआ था। इसलिए रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जवाब जरूर देंगे। यह आधुनिक भारत के इतिहास का सवाल है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, अगर बात करें 17 अक्टूबर 1940 को तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो यहां पर एकदम सही जवाब कुछ लोगों ने दिया है, आचार्य विनोबा भावे इसका सही जवाब होगा। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अगर हम प्रारंभ की बात करें तो उसके पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे, ये पहला व्यक्ति हो गए अगर यहां पर सवाल आएगा पहला, दूसरे व्यक्ति कौन थे कमेंट करके बताइएगा, नेहरू जी थे। कौन था, नेहरू जी। तीसरे व्यक्ति कौन थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ब्रह्मदत्त थे। ये सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, माने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। मेरे प्यारे साथियों रट लीजिएगा, ये आधुनिक भारत के इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है, यह आपके पाठ्यक्रम में है, यह आपके सिलेबस में है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, यहां पे क्रम अनुसार सजाना है, चंपारण विद्रोह, दांडी मार्च, बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह आपकी 1942 में है, 8 अगस्त, अगर यह एकदम एग्जैक्ट पूछेगा तो 8 अगस्त 1942, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आया, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। इसे और किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके बताइएगा, 8 अगस्त 1942 की घटना को हम और किस नाम से जानते हैं भारतीय इतिहास में। फिर ऊपर दांडी मार्च, तो दांडी मार्च कब था, यह 12 मार्च 1930 1930। फिर चंपारण विद्रोह अगर देखा जाए तो ये 1917-18 के दशक में, बंगाल विभाजन 1905। तो यहां पे 4 विकल्प आपके सामने थे, अब आपको ये बताना है निम्नलिखित में से अगर क्रम से सजाएंगे तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक्सिट हमार। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आप लोगों ने CAD करके बताया, बी ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया है। अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? यहां से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, तो ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु का वर्तमान में अगर देखा जाए तो मदुरै की प्राचीन काल को मदुरा नगर था, यह पांड्य राज्य की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। तो जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है यह मदुरै की सबसे पहली मंदिर है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मदुरै होगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं,
तो इतना लोग कमेंट करके बताइए कि यहां तक क्या आप लोग को समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रहा है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यह लाइव क्लास आप लोग देख पा रहे हैं, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट सब लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहां पर? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके दिए गए सवालों के जवाब क्रमवार रूप से दीजिएगा। सभी लोग बताइए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहां पे? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। देखिए, अगर तक्षशिला की बात की जाए कि तक्षशिला कहां पर है, तो बताइए कमेंट करके। तो यहां पर अगर प्रश्न की बात की जाए, ठीक है, देखिए अगर हम तक्षशिला की बात करें, तो तक्षशिला की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न का जवाब दिया है। तक्षशिला गांधार की राजधानी, अगर तक्षशिला की बात करें तो बहुत पहले की बात है, ये गांधार की राजधानी रहा करती थी, और यह अगर देखा जाए इस समय तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, इसलिए प्राचीन काल में यह शिक्षा का केंद्र था। अगर यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो यह क्या है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में कहां पर है? पाकिस्तान में कहां, यह प्रश्न पूछेगा पाकिस्तान में कहां, तो पाकिस्तान में रावलपिंडी, यह रावलपिंडी में, वर्तमान समय में रावलपिंडी में। लेकिन तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, यह क्या थी? प्राचीन काल में, ये लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, ये गांधार की राजधानी थी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, रट लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, इसमें से कोई नहीं। सोचिए कितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब गलत दिया है। ऐसे ही परीक्षा में आपके जब सवाल आता है तो प्राय हमसे आपसे गलती हो जाती है, लेकिन अब से हमें आपको यह प्रयास करना है कि परीक्षा हाल में अगर आप बैठे हो तो सवाल यहां से गलत ना होने पाए। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? कोकड़ी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती? तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोकड़ी, की गोवा की जो स्वीकृति भाषा है, राजभाषा, वो कोकड़ी है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। एकदम स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला सवाल आपके सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने निम्नलिखित किस देश के दो नगरों पर हिरोशिमा, नागासाकी जैसे परमाणु हमला किया था, परमाणु बम गिराया था? तो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जवाब दीजिएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर आप लोगों को उत्तर पता होगा, जापान, 6 अगस्त 9 अगस्त 1945। अगला, निम्नलिखित में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति माने यूएसए के कौन से राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए अगर देखा जाए तो अब्राहम लिंकन जो थे वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ये क्या थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1863 में कब किया था? 1863 में एक अध्यादेश लाया था इन्होंने, लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, कि जो अध्यादेश थे इनकी, इस अध्यादेश से इन्होंने क्या किया था, अध्यादेश के माध्यम से इन्होंने पूरे अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया था 1863 में। यह अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति थे। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1809 से लेकर 65 तक था इनका कार्यकाल, 1809 से लेकर, नहीं नहीं नहीं, इनका कार्यकाल नहीं याद है मुझे, 63 के दौरान ही था। इनकी मृत्यु 65 में जाकर हो जाती है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अच्छा, वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, किस क्रम में है और कौन से राष्ट्रपति हैं? ठीक है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। हम बढ़ते हैं अगले, किस क्रम में है यह भी पूछता आपके परीक्षा में। अगला सवाल, फराओं का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से था? चीन, भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया, पार्सिया? तो
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस विकल्प का कोई मतलब ही नहीं, औचित्य ही नहीं है, गलती से ही टाइप हो गया होगा। ठीक है, देखिए क्लास का टाइम आपको पता होगा, क्लास की टाइम यही है, तो जो भी साथी नए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी फ्री क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेंगी है, मेरी क्लास निःशुल्क आप सभी को, देश हित में, राष्ट्रहित में। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मिस्र। फराओं का संबंध मिस्र के सभ्यता से है, और मिस्र के बारे में बताएं, फराओं का मतलब होता है विशाल भवन, फराओं का मतलब होता है बहुत बड़े भवन, विशाल भवन होता है, और ये हिब्रू भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? हिब्रू भाषा का शब्द है, और इसका प्रयोग प्राय अगर देखा जाए तो राजमहल के लिए किया जाता है। आगे चलकर राजा को भी वहां पे फराओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता था। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक केसर कहाँ मिलता है? काफी आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। सबसे अधिक केसर की बात करें तो किस जगह मिलता है? तो जम्मू कश्मीर, इस समय यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आप इस प्रश्न का सही उत्तर जम्मू एंड कश्मीर होगा। यह लद्दाख और जो पीर पंजाल के बीच की कश्मीर घाटी कि जो मेखलाएं हैं वहां पे केसर सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट, लेकिन ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पे चार विकल्प है, चार में से आपको सत्य कथन छांटना है। कौन सा कथन? सत्य कथन छांटना है, तो छांट के बताइए ना। देखिए यहां पर ध्यान देना होगा कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में साक्षरता का प्रतिशत कम है, यह तो गलत है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में साक्षरता कम है, महिलाओं की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में अधिक है, यह आपका सही है। पुरुष और महिला दोनों साक्षरता समान है, गलत है। यहां पर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह आपके परीक्षा के हिसाब से सी होगा। ध्यान से देखिएगा, महिला की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुष में अधिक है, इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर सी होगा, विकल्प तीसरा होगा, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर सी है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा प्रश्न का। हो गया स्क्रीनशॉट? अधिक है भाई, दिख रहा है ना, हमारे जा रहे हैं साफ, दिखे आपको। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भूगोल का सवाल है, भारत के भूगोल का सवाल है, ये विविध का सवाल है। अब आपको ये बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 18 का। महानदी, चंबल, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, इस प्रश्न का उत्तर होगा महानदी पर। क्या होगा? महानदी। महानदी भी कौन सा बांध है, उस बांध का नाम कोई बता सकता है? कौन सा बांध है? हीराकुंड, हीराकुंड बांध है। यह भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है। यह केवल भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। नदी तल से, अगर नदी तल से अगर हम बात करें, नदी तल से अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वह 61 मीटर ऊंचा है, 61 मीटर ऊंचा है। अगर लंबाई की बात करें तो यह 4800 मीटर लंबा है, 4800 मीटर लंबा है। जी हाँ, यह परियोजना अगर देखा जाए, यहां पर जो परियोजना चलती है वो क्या, उड़ीसा के संबलपुर में इस पे परियोजना भी है, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। बाकी अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे लर्निंग विद दुर्गेश के, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और नोट्स के लिए आप लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्रहित में आपके लिए संचालित की जाती हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसूद जनजाति कहाँ मिलती है? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। देखिए ईरान, जापान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। देखिए पश्तून अफगानिस्तान में पाए जाते हैं,
और ज्यादातर हिस्सा इसका देखा जाए तो यह पाकिस्तान में होगा। मन इस प्रश्न अगर सही प्रश्न की तरफ चले तो इसका उत्तर होगा डी। ये दक्षिण एशिया का पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, खासकर अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के तथा पश्चिम अफगानिस्तान में मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, नाइजर नदी का मुहाना कहां पे है? जो नाइजर नदी है इसका मुहाना कहां पर है? आर्कटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, गैना की खाड़ी, कहां पर होगा? तो यहां पर आपने एकदम सही बताया है कि जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी का जो मुहाना की खाड़ी है वो कहां पर है? वो गैना की खाड़ी है। क्या है? गैना की खाड़ी है। आप कहेंगे सर ये गैना की खाड़ी क्या है? नाइजर नदी का मुहाना गैना की खाड़ी में है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में नाइजीरिया से प्रभावित होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह आपका सी होगा। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अब आपको पता होगा आर्कटिक सागर होगा नहीं, मैक्सिको खाड़ी होगी नहीं, क्योंकि मैक्सिको खाड़ी अमेरिका में है। तो नाइजर नदी गहना की खाड़ी जो है, गैना की खाड़ी, ये अफ्रीका महाद्वीप में, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित जरूर से रख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, विक्टोरिया द्वीप में स्थित है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जो विक्टोरिया द्वीप है वो आर्कटिक महासागर में है। पैराद्वीप अगर हम बात करें कि पैराद्वीप कहां पर है, तो जो पैराद्वीप है, एल्समरे द्वीप है, यह इसी महासागर में ही स्थित है। अब है संगमरमर किसका रूपांतरित कांतरित रूप है? संगमरमर किसका कांतरित रूप है, माने संगमरमर से पहले क्या बना होता है? संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इसे हम रूपांतरित शैल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके पहले ये क्या होता है? यह एक चूना पत्थर होता है, और चूना पत्थर को हम अवसादी शैल कहते हैं। कौन सी शैल कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। इसे हम परतदार शैल के नाम से जानते हैं। ये परतदार शैल है और ये कांतरित शैल है। ये कौन सी शैल है? यह कांतरित शैल है, माने अत्यधिक दाब और ताप की वजह से यह मेटामॉर्फिक में बदल जाता है लाइम स्टोन। ठीक है, ये हमने थियोरी में भी पढ़ाया है, और आपकी जो थियोरी की क्लास है, मतलब अभी तो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, इसकी थियोरी की क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर लेसन बाय लेसन, टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप अभी तक प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं, इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगले कुछ घंटों बाद या एक हफ्ते के अंदर आपको टॉपिक वाइज सभी थियोरी आपको एक ही जगह मिल जाएगी, जो आपको परीक्षा में तैयारी करने में बेहतर योगदान देगा। जी हाँ, हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेडलाइन। कभी कभी पूछा जाता है आइडियल क्या है, इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, यह 180 डिग्री पर होता है, यह एक देशांतरी रेखा है, क्योंकि यहां पर दिन बदल जाता है और पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन कम और एक दिन ज्यादा हो जाता है। इसलिए परीक्षा में प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है, इंटरनेशनल डेडलाइन कहाँ है। तो याद रख लीजिएगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा 180 डिग्री। और ध्यान रहे, 0 डिग्री को क्या कहते हैं? यह कहते हैं ग्रीनविच रेखा कहलाती है, इसी को हम कहते हैं ग्रीनविच। यह हो गया ग्रीनविच होगा, इसे प्रधान मध्यान रेखा कहते हैं, इसे प्रधान मध्यान रेखा के नाम से प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। तो ध्यान रहे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यह देशांतर में होगा तब, और अगर 0 डिग्री अक्षांश में है तब इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यह भी मैंने थियोरी में पढ़ाया है, तो विश्व भूगोल की थियोरी में जाइएगा, वहां पे इन सारे प्रश्नों को हमने क्रमवार रूप से एक एक करके कराया है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यह भी मैंने पढ़ाया है कि पवन की उत्पत्ति का कारण क्या होगा। जी हाँ, कि जो पवन होती है इसके उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जरा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा क्या होता है। देखिए, हवा हमेशा क्या होती है, जैसे अगर आप लोग नहाते होंगे
होंगे, कभी ठंडियों में भी आप लोगों ने नहाया है? मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने पानी रख दिया, ठीक है। अब हमने पानी को नीचे से क्या किया, गर्म कर दिया, आग लगा दिया। अब पानी गर्म कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो पानी गर्म होगा, देखिए यहाँ से पानी गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा, और हम गर्म होने के बाद फिर हल्का होगा, ऊपर आएगा, फिर जो ऊपर का पानी है वो नीचे की तरफ आएगा। यह प्रक्रिया पूरे पानी में चलती है जब तक पूरे पानी का तापमान एक स्थान हो। इसी प्रकार जब सूरज की किरणें चमकती हैं तो सबसे पहले जो पृथ्वी का धरातल होता है वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद हवा ऊपर की तरफ उठती है, तो वहां पे जब ऊपर उठती है तो वहां पे एलपी बनता है, लो प्रेशर। हवा हमेशा क्या होता है, एचपी। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, माने हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलता है। पूरा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलता है। यह थ्योरी मैंने पढ़ाई है, यहां से आपके परीक्षा में सवाल आता है, अर्थात अगर देखा जाए तो वायु दाब में अंतर की वजह से चलता है। एकदम रट लीजिएगा, ठीक। सभी लोग मेरी क्लासें निशुल्क हैं, देशित में है, राष्ट्रित में है, चाहे ऐप पे पढ़िए आप, चाहे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, कहीं भी पढ़िए, मेरी क्लासेज आपको हमेशा निशुल्क मिलेंगी। इसे संवहन का नियम कहते हैं, और यह नियम हवा के चलने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। और वायु दाब में अंतर माने हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। रट लीजिएगा, मेरा सवाल है कि चक्रवात में हवा कहाँ होती है, लो प्रेशर। तो अगर हम चक्रवात की बात करें तो चक्रवात में नीचे एलपी होता है, बाहर आपके एचपी होता है, माने अंदर लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है। चक्रवात में हवा बाहर से अंदर की तरफ चलती है। दूसरी बात याद रखिएगा, हवा जिधर से आती है उसका नामकरण उधर से ही होता है। इसको भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन आप लोग ज्यादा संख्या में अगर आप जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, तब हम इसकी थ्योरी आपको डेली YouTube पर ही आपको पढ़ाते चलेंगे। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आप लोग डेली समय से आइएगा, जुड़िएगा, पढ़िएगा, तब आप लोग अपने वीडियो को शेयर करते हैं, न इसे लाइक करते हैं, मतलब पता नहीं क्या चाहते हैं आप सब। आगे बढ़ते हैं। हवा जिधर से आती है उसका नामकरण, जैसे इधर से रवि आ रही है तो रवि की तरफ सारी हवा रवि हवा, शबनम क्या सवारी शबनम हवा, कल्पना जी की तरफ सवारी कल्पना, अगर ममता जी की तरफ सारी ममता हवा, और अगर पूजा जी की तरफ सारी पूजा हवा, और एकता जी की तरफ सारी, मतलब जिधर से हवा आती है उसका नामकरण उसी के नाम पर होता है। दुर्गेश की तरफ सारी दुर्गेश हवा, सौरभ की तरफ सारी सौरभ हवा, पश्चिम सारी पछुआ, पूरब सारी पूरबवा हवा, माने हवा जिस दिशा से आती है उसका नामकरण उसी पर होता है। माने हवा का नाम हाई प्रेशर की तरफ से होता है, एचपी की तरफ से होता है। हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। बाकी इसके बहुत सारे कारण हैं, जब हम पढ़ेंगे एक अध्याय पवन या हवा, तब हम इसे और अच्छे से आपको डिफाइन करके समझाएंगे। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, जैसे पूजा हवा हो गया, सविता हवा हो, सुप्रिया हवा हो गया, अनुप हवा हो गया, रवि हवा हो गया, तो ये हवा जिधर से आएगी उसका नामकरण वहीं से होगा, ठीक है। चलते हैं, पूरब से आएगी पूर्वा, पश्चिम से आएगी पछुआ। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। जल की तरफ से आएगी जल समीर, पृथ्वी की तरफ से आएगी स्थल समीर, माने जिधर से आएगी उसका नाम वही पड़ता जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, हम पढ़ाएंगे हवा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग टाइम से जुड़िए तब तो। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, आइए बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिलता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यह भारत का 22वां राज्य है, कौन सा राज्य है, 22वां राज्य है। यह 35वां व 36वां संविधान संशोधन किसके द्वारा, संविधान संशोधन के बाद एक राज्य बनता है, कब, 1975 में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यह भारत का एकमात्र पूर्ण जैविक राज्य है। कौन सा राज्य है, यह पूर्ण जैविक राज्य है, ठीक है। ये क्या है, ये पूर्ण जैविक राज्य है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये है पूर्ण जैविक राज्य है। और एक सवाल आएगा कि कौन सा केंद्रशासित प्रदेश है जो पूर्ण जैविक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, दोनों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना होगा। जी हाँ, जितने लोग भी इस वीडियो को इस सेशन में लाइव देख रहे हैं, वे सभी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जब तक लोकसभा है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो मंत्रिपरिषद बना है। जब उसे लोकसभा में विश्वास नहीं प्राप्त है तो लोकसभा भंग हो जाएगी, और जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो मंत्रिपरिषद अपने आप
भंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद होता तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होता, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर प्रश्न में कहता राज्य मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब इस प्रश्न का उत्तर होता कि राज्य मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या मतलब है? मृत्युदंड देने का अधिकार, विदेशों में होने वाले समानों की सुनवाई की योग्यता, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, सरकार को कानूनी मामले के सलाह देने की शक्तियां। तो देखिए, न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। माने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। इसका जिक्र कहां पे किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में इसका जिक्र किया गया है, 131। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। जबकि अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें तो मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिकों के उपचार के प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत किया गया है। माने अगर इसके फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसका जिक्र अनुच्छेद 32 में भी किया गया है, इसका जिक्र अनुच्छेद 32 में भी किया गया है। लेकिन कब किया गया है, जब मूलाधिकार, जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अब याद नहीं हो तो आप डेली क्लास पढ़िएगा, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। हम बढ़ते हैं एक और, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? देखिए, भारत में सरकारी स्कूल भी है, भारत में प्राइवेट स्कूल भी है, भारत में समाजवाद का उदाहरण है, भारत में हमने देखा तो जो पूंजीवादी है उन दोनों का देखने को असर मिलता है। इसलिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे दोनों प्रकार के हैं, सरकारी बस भी है, यहाँ पे प्राइवेट बस भी है, सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है। इसलिए यहाँ पर हमने और आपने देखा कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट अपलोड कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, कह रहा है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण भारत में 1991 में हुआ था, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। भारत में जो उदारीकरण 1991 में हुआ था, कब हुआ था यह भी प्रश्न आता है, तो लिख लीजिएगा 24 जुलाई 1991 को भारत का उदारीकरण हुआ था। उदारीकरण की जो नीति की घोषणा किसने किया था उस समय, अगर इसका जनक पूछा जाए तो बिमल जालान, एस स्वामीनाथन, पी चिदंबरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो उस समय उदारीकरण का जनक इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह को माना जाता है। इसकी पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जुड़े, देखिए इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना होगा, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए उत्तरदायी होती है, उसका नाम है यूनिसेफ। मेरा सवाल है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कोई कमेंट करके बताए यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है। न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, रट लीजिएगा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन लेना है आपको, सरकारी नौकरी करनी है, तो ऐसे प्रश्न पढ़िए जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आप लोगों ने कितने लोग को वीडियो शेयर किया कमेंट करके ये भी तो बताइए, चाहे वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इलानी बुद्रगेश के, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे आप इलानी बुद्रगेश के ऐप पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है, अब यह पूछा जा रहा है कि प्रमुख कार्य क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका मुख्य कार्य क्या है? बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय निक्षेपों का प्रबंधन करना, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना,
विश्व बैंक के प्राइवेट क्षेत्र की प्रधान शाखा के रूप में कार्य करना, विकासशील देशों को वित्त सन्निवेश ऋण देना यहाँ पर होगा, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की सहायता प्रदान करना। हम इसकी थ्योरी जब पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसके बारे में जब भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा, वहां पे इन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को पढ़ाऊंगा, तो एक एक करके एक एक दिन में हम प्रयास करेंगे, एक एक दिन में एक एक टॉपिक लेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या इसका काम, इसका मुख्यालय कहां पर है। मेरा सवाल है कि IMF का मुख्यालय कहां पर है, सभी साथी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक जवाब आ गया, Washington DC में है। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला सवाल है, गुलिवर ट्रैवल्स पुस्तक किसने लिखी है, तो सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए, ये है जोनाथन स्विफ्ट की यह है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अनुप जी सही जवाब है, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल है, डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा, जॉस इलियट, WM थाकर, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, तो इसका रचना हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गालिब, इकबाल, गांधी जी, आजाद फौज, किसने कहा। बताइए, बहुत ही यूनिक सवाल है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। कल इसी समय आपको इस तरह की प्रश्न बैंक की सीरीज आपके लिए लाइव आएगी, तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस समय आप लाइव सेशन में आएंगे और जुड़कर पढ़ेंगे। जी हाँ, इकबाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अगला सवाल है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत को एक एक कील से धोगी, ये किस नेता ने कहा था। ये सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम बात करें तो क्या होगा, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह आपका बी होगा। हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ, राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितने की है, तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है। अब यह 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब इसका क्या नाम रखा गया। ठीक है, यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, अब इसका नाम क्या रखा गया है, सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसमें 7.5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखिए, भले कमेंट मत करिए, लेकिन ये सोचा करिए, परीक्षा हाल के अंदर बैठे हैं और उस तरह से परीक्षा में बैठे हैं, यह सोचकर अगर आप जवाब देंगे, यकीन मानिए उत्तर कभी आपके गलत नहीं होंगे। हाँ, अब इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से रखा गया है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप लोग तैयार हैं, बताइए भाई साहब, आप लोग तो जवाब ही नहीं देते, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं दिन और फिर नोबेल क्या हुए थे, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, इस दिन क्या हुआ था, ये पैदा हुए थे, गुजर गए थे, पाउद का आविष्कार किया था, क्या हुआ था, बताइए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ये गुजर गए थे, हमारे यहाँ पुण्यतिथि कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर वर्ष, ठीक, इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, अगला है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बताइए सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे थे,
सभी साथी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। सभी साथी फटाफट कमेंट करें प्रश्न नंबर 38 का जवाब क्या होगा। एकदम सही जवाब है कड़म मलेश्वरी, डी प्रश्न का सही जवाब है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया जो नाम किसका है, झील का, नदी का, द्वीप का, पर्वत का। तो सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहां से आप घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास मैं जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए लाइव दे रहा हूं। और अगर अभी आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके, अभी ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, सभी क्लास और इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी। इसकी जो क्लास की पीडीएफ होगी, जो ये प्रश्न बैंक की पीडीएफ है, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और बाकी इसकी सीरीज आपको, थियरी की सीरीज आपको जल्द ही मिलेगी। और आप लोग जुड़े रहेंगे, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, साथ देंगे, तो हम ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थियरी की भी क्लास करा दी जाए। चलिए अभी एक प्रश्न है, शायद आपको दिख रहा होगा, शताब्दी एक्सप्रेस किसके वर्ष पर चल रही थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर चल रही थी। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। तो इसी के साथ आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा, अपने सभी साथियों तक पहुँचा दीजिएगा। ये जीएस के 40 ऐसे प्रश्न थे, जीएस, जीके, विविध, इनसे बार बार आपके परीक्षा में जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी का। आप लोग अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की मेरी। थैंक यू। समझ में आ गया सबको ना। टाइम से डेली जुड़िएगा, क्लास की टाइमिंग आपको पता है डेली, इसके बाद भी क्लास चलेगी, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू ऑल।